और शुरुआत करेंगे सूरजपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डबल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की एक कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक साथ तीन मकान ध्वस्त किए गए हैं। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने बाकायदा नोटिस चस्पा किया था। आरोपी कुलदीप साहू पर डबल मर्डर का आरोप है। हेड कांस्टेबल की पत्नी बेटी की हत्या का आरोप है। तो सूरजपुर से ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। कुलदीप साहू जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, इस पर हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या का आरोप लगा है। कई दिनों बाद इसको पकड़ा गया और अब आरोपी के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। बाकायदा प्रशासन ने कार्रवाई से पहले नोटिस भी चस्पा किया है। दोहरे हत्याकांड के बाद अब जिला प्रशासन की टीम ने जो मुख्य आरोपी है कुलदीप, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग हत्या के 14 दिन बीत चुके हैं। हत्या के दूसरे ही दिन नगर पालिका ने घर पर उसके अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा किया था। उसके बाद आज कार्रवाई देखने को मिल रही है। हम मौजूद हैं सूरजपुर के पुराना बस स्टैंड में। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जो बुलडोजर से मकान ढाया जा रहा है, ये मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का मकान है, जो बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण में है, सरकारी जमीन पे है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। किसी तरह की कोई परिस्थिति ना बने, और जो पिछली बार देखा गया था कि जो भीड़ के द्वारा हंगामा किया गया था, ऐसे स्थिति ना बने, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और सिर्फ यही नहीं, सूरजपुर नगर की बात करें तो तीन मकानों पर बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रिएक्शन के बाद जो स्थानीय लोगों में गुस्सा था, उसका क्या असर होगा। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी सूरजपुर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, फिलहाल मैं देख पा रही हूं आपके पीछे कि बुलडोजर चलने के बाद जो एक शांति थी वो देखी जा रही है सूरजपुर में। अब स्थानीय लोगों का क्या कहना है? लोगों से बात तो हमारी नहीं हो सकी, लेकिन आप अभी देख सकते हैं किसी को बहुत जानकारी भी नहीं थी। और जिला प्रशासन और पुलिस यहाँ से लेकर बड़ा अमला मौके पर पहुंचा है, बैरिकेड किए गए हैं, और सुबह से ही जो आरोपी कुलदीप है उसके मकान को जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि उनके मकान को नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि उनके मकान के बाद जो इंडिगल कंस्ट्रक्शन था उस पर कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से सुबह से यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, साथ में राजस्व विभाग का अमला भी मौजूद है। लगातार जब से ये दोहरा हत्याकांड हुआ था, तब से जो स्थानीय लोग हैं वो इसकी मांग कर रहे थे कि आरोपी कुलदीप का जो मकान है उसको इससे नाबूद किया जाए। और लगातार जो जिला प्रशासन है वो इस बात के लिए कह रहा था, और जो नगर पालिका है, इस घटना के दूसरे ही दिन आरोपी के तीनों ही मकानों में नोटिस चस्पा किया गया था, और ये हिदायत दी गई थी कि जल्द से जल्द या तो जमीन से संबंधित दस्तावेज उपस्थित कराएं, या तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और लगभग 12 दिनों के बाद अब आज आके देखने को मिल रहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस बल का बड़ा अमला यहाँ मौके पर पहुंचा है, और जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई जारी है। ठीक, ओपी ये भी बताएगा क्या किसी तरीके का यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला है, हालांकि नोटिस पहले चस्पा कर दिए गए थे। बिल्कुल, नोटिस चस्पा कर दिया गया था, और जो घर वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो बहुत विरोध करना देखा गया, लेकिन ज्यादा कुछ असर हुआ नहीं। क्योंकि जो जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पूरे नियम के तहत कार्रवाई की है, जिनका मकान है जो मुख्य आरोपी के जो परिजन है उनके द्वारा जरूर कुछ विरोध किया गया था, उनका कुछ असर हुआ। वही अगर स्थानीय लोग की बात करें तो अभी हालांकि सुबह का समय है, बहुत ज्यादा लोग उपस्थित नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि स्थानीय लोग भी आप एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि वो बुलडोजर जो चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, वो तस्वीरें आप दिखाइए जरा। जी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसकी मांग लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था, और चूंकि समय बीत रहा था तो अब धीरे धीरे अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद हो सकता है कि बुलडोजर कार्रवाई ना हो, लेकिन जिला प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया था उसको लेकर देखा जा रहा है कि अपने नोटिस से अब
अमल किया गया है और सुबह सुबह जिला प्रशासन की टीम के द्वारा कई बुलडोजर लगाए गए हैं ताकि ये काम जो है जल्दी समाप्त हो जाए और जो स्थानीय लोग हैं उनका जो भीड़ जमा होती है वो मौका ना मिले। ये एक मकान है। ओपी तिवारी, ये बताइएगा आप कि क्या ये वही मकान है जिसको भीड़ ने आग के हवाले किया था, पहला सवाल। और जो तीन मकान ध्वस्त किए गए हैं, तीनों ही कुलदीप साहू के हैं, परिजन कहाँ हैं? फिर मैं बता दूं, ये वही मकान है जिसको घटना के बाद जो यहाँ पे स्थानीय लोग थे, जो बड़ी भीड़ थी, उसे आग के हवाले किया था। और साथ में दो मकान और बनाए बताए जा रहे हैं जो कि यहाँ नगर में ही एक मानपुर इलाका है वहां पर बताया जा रहा है और एक कब्रिस्तान मोहल्ला। हालांकि जो अभी तक हमको जानकारी मिल पाई है कब्रिस्तान मोहल्ला का जो अवैध अतिक्रमण है वो वन भूमि पर है, तो संभवतः आज इस पर कार्रवाई ना हो, लेकिन मानपुर और ये पुराना बच्चा ये दो जगह कार्रवाई जारी है और कार्रवाई जब तक जो पूरा अतिक्रमण है उसको ध्वस्त नहीं किया जाए तब तक कार्रवाई नहीं होगी। सही बात मुख्य आरोपी के परिजनों की, तो इसी मकान में भी है बताया ये जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इंडिगल कंस्ट्रक्शन है उस पर बुलडोजर चल रहा है, न कि वो घर को ध्वस्त किया जाएगा। तो जो लीगल कंस्ट्रक्शन है जिसका जिस जमीन का उनके पास दस्तावेज मौजूद है, जिस पर कुछ मकान बना हुआ है, उस घर पर ही मुख्य आरोपी के पूरे परिजन है जिसमें महिलाएं भी है, बच्चे भी है, और उनकी सुरक्षा के लिए ओपी कोशिश कीजिए जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है अगर उनसे बात हो पाए तो, और लगातार आप ये बुलडोजर की तस्वीरें दिखाते रहिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। हालांकि जो मेन जो इंडिगल कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ दिया गया और आगे के लिए तैयारियां की जा रही है कि कितना और आगे बढ़ना है और जो चीजें बिखरी पड़ी हुई है उसको हटाकर उसमें आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। और मैं बताया जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि लगातार यहाँ सवेरे से ही जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद जरूर है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात करें, उनसे जाने की क्या कार्रवाई है और कब तक की जाएगी और बाकी इस कार्रवाई को लेकर जानकारी है, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बड़े अधिकारियों का निर्देश है इसलिए अभी वो कुछ भी कैमरे पर नहीं कहेंगे, लेकिन जो कार्रवाई दिख रही है उससे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जब तक जो अवैध अतिक्रमण है वो पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होते हैं तब तक इनकी कार्रवाई जाएगी। आप देख सकती है फिर से जो अभी थोड़ी देर के लिए जो रुका था अतिक्रमण छोड़ने का काम वो फिर से जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और ओपी आपने बताया अभी तीसरे मकान पर कार्रवाई नहीं की गई है, नोटिस उस मकान पर भी चस्पा किया गया है क्या? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया तीन मकान को आइडेंटिफाई किया गया था और तीनों शहर में ही है, एक कब्रिस्तान मोहल्ला में, एक गुराना बस्तियां में और एक मानपुर में। लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो कब्रिस्तान मोहल्ला वाला जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो अतिक्रमण है, उसमें वो वन विभाग के अंतर्गत आता है जिसकी वजह से कुछ जो कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, वो शायद कंप्लीट नहीं हो सकी है। यही वजह है कि संभवतः आज वो मकान ना टूटे, लेकिन ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है मानपुर और पुराना बस स्टैंड यहाँ पर कार्रवाई जारी है और निश्चित ही जब तक जितने भी अवैध अतिक्रमण के क्षेत्र है, जो भी जितने जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है उसको पूरी तरह से जमींदोज करने का दावा किया जा रहा है। ओपी, सवाल तो ये भी उठता है कि ये कार्रवाई ठीक है, अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है, लेकिन जब हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या हुई है उसके बाद ये एक्शन क्यों? क्योंकि ये मकान तो कई सालों से होगा यहाँ पर। निश्चित रूप से सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है और शायद यही वजह है कि जो बड़े अधिकारी है वो हमारे कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं, क्योंकि ये जो अतिक्रमण है पिछले कई सालों से है, कई दशकों से है कहीं, और यही आरोप भी है जो मुख्य आरोपी है उसके परिजनों का कि ना तो आरोपी ने किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों, जबकि वही जो जिला प्रशासन है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस कार्रवाई का दोहरे हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बीच बीच में कार्रवाई होती रहती है अवैध अतिक्रमण को लेकर, कोई कार्रवाई की जा रही है जिसको इस दोहरे कांड हत्याकांड से न जोड़ा जाए, शायद यही वजह है कि इस नोटिस में क्या लिखा है, लगभग 14 नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपका जो जमीन है वो अवैध अतिक्रमण में है
और कुछ दस्तावेज की मांग की गई थी कि यदि आपके पास उपलब्ध हो तो दस्तावेज मुहैया कराया जाए और नहीं तो नगर पालिका इस पर कार्रवाई करेगा। हालांकि उस नोटिस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि कितने दिन का अल्टीमेटम है और कितने दिन बाद जिला प्रशासन या नगर पंचायत इसमें कार्रवाई करेगा। तो इससे ये चीजें स्पष्ट हो गई थी उस समय कि इसमें जो समय और ये दिनांक जो मेंशन नहीं किया गया था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि जिला पंचायत जिला प्रशासन या नगर पालिका ये अपने स्थिति के अनुसार मौके की नजाकत को समझते हुए कार्रवाई करने के प्लान में है और वही देखने को मिला। लगभग 14 दिन का समय बीत चुका है और अब जाकर जो जिला प्रशासन है उसने कार्रवाई शुरू की है। लेकिन देखिए जो आरोप प्रत्यारोप हो तो लगते रहेंगे और जो नियम और कानून की बात होती रहेगी, लेकिन ये निश्चित है कि इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों में जो आक्रोश था जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं जरूर हमने स्थिति बनेगी। निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार लोगों में गुस्सा दिख रहा था और वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो शांत हुआ होगा, लेकिन अभी भी यही कि क्या इतनी कार्रवाई काफी है, क्या लोगों को जो गुनाह करते हैं उनके लिए एक सबक होगा क्या? ओपी आवाज आ रही है आपको? जी। तो तस्वीरें दिखाइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या आरोपी कुलदीप साहू इसी मकान में रहा करता था? जी बिल्कुल, इसी मकान में रहता था और जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, ये एक नजीब ही पेश की जा रही है। सूरजपुर जिले में ये पहली घटना है कि जब इतना बड़ा जब घटना हुआ और लोगों का आक्रोश देखने को मिला तो जिला प्रशासन भी इन चीजों को समझा और ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही। निश्चित ही इस घटना के बाद जब उसके आर्थिक नुकसान पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो आरोपी है उनका मनोबल टूटेगा और आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो उससे कुछ लगेगा। तो निश्चित ही ये जो कार्रवाई सूरजपुर के एसपी बदलने के बाद ओपी ये पहला एक्शन है जो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। जी निश्चित रूप से मैंने बताया ये पहला ही एक्शन है जिले में, इससे पहले अभी बातचीत कर लीजिए अगर संभव है तो। मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास पुलिस अधिकारी हैं। जी मैंने बताया बड़ी संख्या में यहाँ राजस्व के भी अधिकारी है पुलिस अधिकारी भी है लेकिन बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमारे साथ तहसीलदार, हम कोशिश करते हैं साथ बात करें। सर जानकारी देंगे कैसे कार्रवाई लेकर? ओपी ये क्या बोल रहे हैं आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जी आपकी आवाज सवाल दे रही है। ओपी तहसीलदार ने क्या कहा वो एक बार रिपीट कर दीजिए आप। जी उन्होंने ये कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं, जो कार्रवाई है वो नगर पालिका की तरफ से की जा रही है और अभी उससे ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं। तो जैसा हम ये मान रहे थे कि जिला प्रशासन की कार्रवाई है, लेकिन अभी जो तहसीलदार ने बयान दिया उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ से सुरक्षा देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं। जो पूरी कार्रवाई है वो नगर पालिका की है और जो नोटिस भी चस्पा किया गया था वो नगर पालिका के द्वारा ही किया गया था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन का इस पूरे मामले में क्या भूमिका रहती। ठीक है ओपी तिवारी, आप नजर बना के रखिएगा और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी ओपी तिवारी लगातार मौजूद हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें दिखाई हैं और लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट पहुंचाते रहेंगे।